बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद मेरे YouTube चैनल नगीनास किचन में। आज हम बनाएंगे पालक वाले पकोड़े। आजकल बारिशों का मौसम है और जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो पकोड़े खाने का बहुत दिल करता है, तो ये पकोड़े बहुत ही मजे के बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बेबी पालक 200 ग्राम, आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं। इसको फाइन चॉप कर लिया है। आलू 4 मीडियम साइज के, इनको इस तरह से राउंड शेप में काट लिया है। प्याज 6 अदद छोटे साइज के थे, इनको इस तरह से रिंग शेप में काटना था इसीलिए हमने छोटे लिए हैं। हरी मिर्चें 8 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून, टमाटर 2 मीडियम साइज के, इसको भी गोल शेप में काट लिया है। कुकिंग ऑयल फ्राई करने के लिए, बेसन 3 कप। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पालक वाले पकौड़े। अब लेंगे एक बाउल, इसमें ऐड करेंगे आलू और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे प्याज, पालक, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी की पालक भी ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और बेसन। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक ही बार सारा नहीं ऐड करना क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी रिलीज करेंगी। इन सब चीजों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। मसाला हमारा तैयार है पकौड़ों के लिए, तो अब इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए, तो फिर बनाना स्टार्ट करेंगे पकौड़े। 1 घंटा हो गया है तो अब हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को हाथ से बनाएंगे, हाथ से बहुत ही मजे के और टेढ़े मेढ़े बनते हैं तो मजे के लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इनकी साइड्स चेंज कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड्स चेंज करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू के अंदर चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ तो फिर आपको दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पालक वाले पकोड़े बहुत ही लजीज तैयार हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये डिश आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।